मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं आपका। मुझे बताइए अभी फिजिकल में पैरेलली आपका और कौन कौन सा चैप्टर चल रहा है? पैराडॉक्स। ओके थर्मो नहीं अभी दिन के बाद चालू करेंगे सर। ठीक है देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। हाँ जी अच्छा स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया वेरी गुड। मैं पूछ रहा हूँ एक जनरल बात करता हूँ ठीक है। क्या लगता है क्या मीनिंग होना चाहिए इक्विलिब्रियम का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? बैलेंस। ओके और बताइए केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का बेसिक मीनिंग क्या होता है? बैलेंस होता है। पर बैलेंसिंग कहाँ पर? जब हम केमिकल रिएक्शन में किसी बैलेंसिंग की बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम। बट उस इंट्रो पे जाने से पहले हमें कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन देखना होगा। बताएंगे क्या बेसिक मीनिंग होता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का? गाइस बेसिक मीनिंग क्या होता है सर? रिवर्सिबल मतलब जो वापस से पीछे हो सकता है और इरिवर्सिबल मतलब जो वापस नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट टेबल में था कॉन्सेप्ट पांडे कॉन्सेप्ट ना लेटर है तो अभी लिखिएगा मत। देखिए रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन बोथ द डायरेक्शन, रिएक्शन विच प्रोसीड इन यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है जिसे हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर बाई डायरेक्शन है तो हम इसे इस साइन से। जब रिवर्सिबल है दोनों डायरेक्शन में हो रहा है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट हो रहा है इस तरीके से। यहां पर रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए जरा।
देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस अगर हम देखें तो रिएक्शन के दो पार्ट्स हैं, होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब व्हेन बोथ आर इन सेम फेज, राइट। रिएक्शन लिखा है N2H2 अमोनिया, अब रिएक्टेंट भी गैसियस है और प्रोडक्ट भी गैसियस है। हेटरोजेनियस जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में हो, अब देखिए रिएक्टेंट सॉलिड है जबकि प्रोडक्ट गैसियस है। हो गया सर वेट। Done. Now, the state of equilibrium. Stage of equilibrium. It is defined as the stage of reversibility.
देखिए the stage of reversible reaction at which the concentration of reactant and product do not change with time and concentration time ratio is constant. ऐसे केस में rate of forward reaction हमेशा rate of backward reaction होगा एक बार. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि reactant equal to product और product equal to reactants. तो अगर हम concentration time graph draw करते हैं equilibrium पे ये forward reaction का rate और backward का कॉन्सेंट्रेशन देखिए टाइम के साथ कॉन्स्टेंट है तो जिस पॉइंट पर ये मीट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. नोट करिए सर वो फॉरवर्ड बैकवर्ड फिर से समझा क्या चीज फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं सर फॉरवर्ड क्या है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट का फॉर्मेशन मतलब रिएक्शन लेफ्ट टू राइट भी जा रही है और राइट टू लेफ्ट भी. मैं भी करके बताता हूँ रिएक्शन आपको अपलोड कर लीजिए. आर एक्शन जहां जा रहा दैट इज रिएक्शन मैं एक्सप्लेन करूं गाइस मैं एक्सप्लेन कर दूं सर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है मैं एक बार दो मिनट दे दो स्टॉप राइटिंग प्लीज स्टॉप राइटिंग. यहां पर मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम. तो अभी भी मैंने आपको इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बताया जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए टाइम के साथ चेंज ना हो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. ऐसे में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है. तो सबसे पहला कंफ्यूजन जो हमें आता है एक जनरल लैंग्वेज में कि रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही है. रिएक्शन अगर रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट बन रहा है
तो ओवरऑल आपको ऐसा लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रही, बट रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट ये, रिएक्शन इज डायनामिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर टू, ऐसे केस में तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो। तो ये दूसरी कंडीशन है कि रिएक्शन का रिवर्सिबल होना मस्ट है, राइट। तीसरा, फ्री एनर्जी चेंज इज जीरो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्री एनर्जी चेंज मतलब ओवरऑल रिएक्शन का जो एनर्जी चेंज है वो जीरो होना चाहिए, मतलब एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी कम या ज्यादा होगी तो रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी, इक्वल नहीं रह पाएगा। तो एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, चेंज जीरो होना चाहिए, एनर्जी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इनिशियली हम 50 किलो जूल की बात कर रहे हैं तो लास्ट तक 50 किलो जूल ही रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इट कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, ये भी मैं आपको डेरिवेशन में बताऊंगा क्या मतलब होता है इट कैन बी अचीव इन आइदर डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाय प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अगर हमने डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। कैटलिस्ट कैन रिड्यूस द टाइम बट डजंट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हमने कैटलिस्ट डाला तो वो इक्विलिब्रियम के टाइम को कम या ज्यादा कर सकता है पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। उसका भी क्या मतलब है अभी हम डेरिवेशन करेंगे तो आपको बताएंगे। करिए इट्स डायनामिक इन नेचर, डायनामिक मतलब रिएक्शन मूविंग है, स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है। सर सिर्फ वो इक्विलिब्रियम ही पॉसिबल है ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब सर रिवर्स रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ जी, रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने लिखा है, देखो लास्ट में वो भी लिखा है। सर ये मार्कर बहुत लाइट है। क्या जी? सर ये क्लियरली दिख नहीं रहा, स्ट्रेन पड़ रहा है। आप लिखिए, मैंने इरेज नहीं कर।
देखिए क्या लिखा है, लॉ ऑफ मास एक्शन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल सी लाइन पे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसको। एट कांस्टेंट टेंपरेचर द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट एट विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। ये एक्टिव मास कम जो बार बार आ रहा है, एक्टिव मास का मतलब क्या होता है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्टिव मास का मतलब कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम एक्टिव मास बोलते हैं और इसे रिप्रेजेंट हम ब्रैकेट से करते हैं। अगर किसी स्पीशीज पे हमने ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब उसका एक्टिव मास हम यूज कर रहे हैं। सही है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है अभी। तो एक्शन क्या है? एक्शन एक्शन मास एक्शन रिएक्शन एक्शन। ये कॉपी कर लीजिए, फिर एक छोटा सा डेरिवेशन आपको बताते हैं रख लीजिए। जरा दो मिनट के लिए शांत हो जाइए, जरा एक बोर्ड पे देखिए, बाद में लिखना। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने ली है कांस्टेंट टेंपरेचर पे। ये स्मॉल ए बी सी डी जो आपको दिख रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये समझ लीजिए। हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, बताइए? रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। तो एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन कैसे लिखते हैं? तो एक्टिव मास ऑफ ए जितना उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उतना पावर, बी उतना पावर। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा, फॉरवर्ड के लिए के ए बी, ये हो गया। इसी तरह अब हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर फाइंड करते हैं, किस पे डिपेंड करेगा बैकवर्ड रिएक्शन? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे। तो एक्टिव मासेस ऑफ सी एंड डी, फिर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और बैकवर्ड के लिए के बी कॉन्स्टेंट हमने लिया है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब बिकॉज हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। अब अगर दोनों इक्वल हो गए तो के एफ ए बी
is equal to KB C D, ऐसे बन गया। और अगर हम इसे KF by KB लिखेंगे तो this become C D A B, ये आपका बन जाएगा। And this KF by KB is also called KC. तो आपका ये फाइनल क्वेश्चन बन गया। अब इसमें सारे टर्म्स का मतलब समझ लें। KC को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, KF को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं या फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं। KB को हम बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, कॉपी करिए फिर आगे बताएं। गाइस हो गया, एक मिनट, तो वन मिनट, हाँ देखिए। एक्टिव मास ए बी सी डी, हाँ ब्रैकेट देखो, पर यहाँ बताया था मैंने, ब्रैकेट लगा दिया मतलब सब एक्टिव मास है। Done, sir.
फैक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, पहला फैक्टर है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैंने एक रिएक्शन लिखी N2 plus O2 is twice N। इसके लिए अगर हमें Kc निकालना है तो बताइए जरा कैसे लिखेंगे। तो Kc क्या होगा? प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो प्रोडक्ट में NO है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? 2 1। पावर 2 हो गई अपॉन रिएक्टेंट इन पावर 1, ऐसा बनेगा। यस सर। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? यस। अब मैं दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं। अगर इसके लिए मैं केसी निकालूं, इसे मैं केसी डैश बोल देता हूं, तो क्या आएगा? O2 N2 अपॉन NO की पावर। आप बताएंगे केसी और केसी डैश में क्या रिलेशन है? इक्वल है। इक्वल दिख रहा है? नहीं। फॉरवर्ड बैकवर्ड के रिलेशन। इनवर्स। समझ आया? Yes, sir. तो रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर केसी ऑलवेज डिपेंड करेगा। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू आर्मीनियस इक्वेशन देखें, log k2 by k1 is equal to delta h upon 2.303 r upon 1 by t1 minus 1 by t2। k1 और k2 equilibrium constant है, t1 और t2 temperature पे। delta h को enthalpy change या energy of reaction बोलते हैं, r gas constant है। तो अगर आप temperature change करेंगे तो k का value भी change होगा। चलिए copy। सर एक्टिव मास ये कंसंट्रेशन टर्म है। हाँ, एक्टिव मास कंसंट्रेशन। सर इसमें एक्टिव मास का यूज क्या, मतलब समझ में नहीं आया इसको एक्टिव मास के लिए। किसमें कह रहे हो, टेम्परेचर में? सर मतलब किधर भी, मतलब ये चाहो। ये सब एक्टिव मास ही तो है, कंसंट्रेशन ऑफ एनओ है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो समझेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉन्सेंट्रेशन ही तो है।
जो फैक्टर सी बताने वाले ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टोशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब N2 plus O2 gives twice देनो, पहला रिएक्शन गेट भी देना है आपको, इसे हमने K1 बोल दिया। दूसरा हाफ N2 हाफ O2 gives NO, इसे K2 बोल। आप देखिए दोनों में स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिफरेंस है, इसमें स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसमें हाफ है, इसमें 1 है, इसमें हाफ है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो आपसे पूछते हैं K1 और K2 में रिलेशन क्या होगा, तो पक्का K1 K2 वेरी करेगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो मैं K1 निकालता हूं पहले, जैसे किया था NO की पावर 2 N2 N4 ये। अब K2 जरा देखें, NO की पावर तो है ही नहीं 1, N2 की पावर हाफ और O2 की पावर हाफ। अब आपको अगर K1 और K2 को इक्वेट करना है तो आप देखिए कि कैसे इक्वेट करें कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। रेशियो, हाँ बोलिए क्या बोले, रेशियो ले सकते हैं, हाँ रेशियो लेके सर कैंसिल कर। रेशियो लेने से पहले आप ये देखिए इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1 है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पावर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो पहले हम स्क्वायर करें और उसके बाद क्या कर दें, रेशियो निकाल दें। तो K1 अपॉन K2 का स्क्वायर इज इक्वल टू NO का पावर 2 अपॉन N2 O2 इंटू NO का पावर 2। देखिए सब कैंसिल ही होना है, क्या बच रहा है अपने पास, K1 बाय K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और K1 इज इक्वल टू K2 स्क्वायर, ये रिलेशन है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी हमें करने होंगे, कर लीजिए कॉपी।
हो गया सी। सर हमने स्क्वायर क्यों किया? अगर आप स्क्वायर नहीं करते तो ये डिवाइड नहीं होता और डिवाइड होके कैंसिल नहीं होता। देखो यहाँ पे एनओ की पावर वन है, यहाँ एनओ की पावर टू है। सर मतलब पावर इक्वल होनी चाहिए डिवाइड। कैंसिल कैसे करोगे आप? कैंसिल तो तभी होगा जब सेम होंगे दोनों। सर नहीं, वो एनओ और एनओ, एक एनओ कट हो जाएगा। तो फिर रिलेशन कैसे मिलेगा जरा सॉल्व करके देखो आपको क्या मिलता है। आपको के वन के टू का रिलेशन चाहिए ना। अच्छा, कंपलसरी है कि कैंसिल होना चाहिए। ओके हो गया फ्रेंड्स। और लास्ट फैक्टर है यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हम जहां पर अभी एक्टिव मास बोल रहे हैं उसकी जगह पर अगर हमने प्रेशर लिया तो भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज कैसे होगा वो मैं आपको करके बता देता हूं।
ध्यान से देखिए, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑल आर गिवन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, गैसेस फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यूज केपी इंस्टेड ऑफ केसी. वैसे में हम क्या करेंगे, सी की जगह पे पी लिखेंगे. एक बार मैंने वही से रिएक्शन स्टार्ट किया जहां से पहले स्टार्ट किया था. अब की क्योंकि हमें प्रेशर लिखना है तो हम एक्टिव मास की जगह पे प्रेशर का टर्म लाएंगे. तो प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए एंड प्रेशर ऑफ बी की पावर बी. यहाँ पर पी क्या है, पार्शियल प्रेशर. अब आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी. एन बाई वी को हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, तो पी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन आर टी हो गया. अब अगर हम गैस ए के लिए निकाल रहे हैं तो पी ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी, बी के लिए निकाल रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी, सी के लिए निकाल रहे हैं तो सी आर टी, और डी के लिए निकाल रहे हैं तो डी आर टी. यहां तक बात समझ आ रही है सबको? यस सर. ठीक है, अभी जरा देखिएगा, डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन हमको फिर भी बेसिक आइडिया होना चाहिए. हम यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं. ठीक है, पावर भी हमको लगानी है तो पी देखें, हमने सी की जगह पे लिखा है सी आर टी और पावर सी थी तो सी लग गया. सी की पावर सी, आर टी की पावर सी, डी की पावर डी, आर टी की पावर डी, ए की पावर ए, आर टी की पावर ए, बी की पावर बी, आर टी की पावर बी. अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आर टी कॉमन हो रहा है तो हमने आर टी को कॉमन ले लिया. तो दिस बिकम ऐसा सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी और आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी. अब जरा आप ध्यान से देख करके मुझे बताएंगे ये क्या है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? केसी. केसी बिल्कुल सही है, ये केसी है. तो यहां से हमको क्या पता चल गया, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. ये हमारा एक रिलेशन बन गया कि अगर आपको केपी पता है तो केसी में बदल सकते हो, केसी पता है तो केपी में बदल सकते हो. जी स्टैंड फॉर गैसियस, हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ गैसियस स्पीशीज के लिए कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, चलिए कॉपी. फाइनली सिर्फ ये फॉर्मूला ही याद रखना होगा और कुछ नहीं.
थ्रो के लिखा डेल्टा के पी इक्वल टू के सी आर टी और ऊपर डेल्टा एन जी एन नंबर ऑफ मोल्स जी स्टैंड्स फॉर गैस गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन नीचे का हो गया है अब देखिए जरा कैसे क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं सबसे पहले राइट द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एसी एंड find the unit. देखिए ये मैंने पांच रिएक्शंस देखी हैं आपको क्या करना है पहले तो केसी का टर्म में इसको लिख करके दिखाना है कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा केसी में और उसके बाद उसकी यूनिट फाइंड करनी है मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आप ध्यान से देख लीजिए पहला वाला रिएक्शन है इसे हमें केसी के टर्म में लिखना है तो केसी इज इक्वल टू क्या बनेगा प्रोडक्ट में हमारे पास है एनओ टू तो एनओ टू की पावर टू अपॉन रिएक्टेंट में है एन टू पावर वन और O2 की पावर टू तो ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया पहला चीज फिर हमसे पूछ रहे हैं यूनिट ऑफ केसी भी बताना है तो यूनिट कैसे बताएंगे तो हर एक की यूनिट मोल पर लीटर होती है तो ऊपर हो गया मोल पर लीटर का स्क्वायर अपॉन N2 हो गया मोल पर लीटर और ये भी हो गया मोल पर लीटर का स्क्वायर तो क्या यूनिट बच रही है बताएंगे तब तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा गाइस क्या बच रहा है लीटर पर मोल ये यूनिट बची बाकी सब कैंसिल हो गए समझ आया यस अभी करिए फटाफट से बी सी डी ई आपको करना है सॉल्व करिए जब मैं पूछूं तभी आंसर बताइएगा फिर वो राइट दर्द उसके बाद क्या लिखा है इसके बाद क्या लिखा है राइट द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केसी यानी केसी फाइंड करना है और उसकी यूनिट फाइंड करनी तो केसी का फॉर्मूला निकाल दिया अब यूनिट निकालने के लिए मोल पर लीटर सबका यूनिट है ऊपर NO2 का मोल पर लीटर का स्क्वायर N2 का मोल पर लीटर और O2 का मोल पर लीटर स्क्वायर सब कैंसिल होकर के बचा लीटर पर मोल केसी का यूनिट आ गया लीटर पर मोल करिए फाइंड
डन सर। गाइस हो गया? यस सर। बी का बताएंगे क्या बन रहा है? NH3 twice upon ऐसा बना है? यस सर। ठीक है, अब चलो थर्ड का बता दो, फिर यूनिट एक साथ करते हैं। ऐसा बना है सी का? यस सर। ये ऐसा बना है? यस सर। ये
ये ऐसा बना है। यस सर। अब यूनिट बता दो मुझे, सेकंड की यूनिट कितनी आई है? लीटर पर मोल स्क्वायर। लीटर पर मोल स्क्वायर ऐसा? यस सर। सी का यूनिट क्या आया है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर ठीक है। डी का यूनिट क्या आया है? लीटर पर मोल। ओके। ई का यूनिट क्या आया है? ई का यूनिट क्या आया? कुछ भी नहीं, यूनिटलेस। समझ में आ गया कैसे फाइंड करते हैं सारी चीजें? यस सर। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं? यस सर। ठीक है, मैं बोर्ड से इरेज कर दूं सब कुछ? यस सर। ये ट्रिक याद रखिए, यूनिट ऑफ केसी निकालना है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, केपी की यूनिट निकालना है एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एनजी। मैंने एक भी सॉल्व नहीं किया, मैंने सब शॉर्टकट से बताया। देखो जरा, प्रोडक्ट में दो मोल्स, रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं टोटल? तीन। टू माइनस थ्री कितना आया? माइनस वन आया। यस सर। तो इसकी पावर माइनस वन रखोगे तो लीटर पर मोल हो जाएगा। यस सर। ठीक, सेकेंड देखो, प्रोडक्ट में दो मोल्स, रिएक्टेंट में चार मोल्स, कितना आया? माइनस का टू। यस सर। माइनस का टू मतलब लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। देखो लीटर पर मोल स्क्वायर लिखा है। समझ आ रहा है? आप कोई भी वेरीफाई कर लीजिए जो भी रिएक्शन देखी है, इससे अब आपको डायरेक्ट हो जाएगा। नोट करिए, समझ में आ गई आपको ट्रिक? यस सर। चलो अब हम लोग केपी और केसी का रिलेशन फाइंड करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। कैसे करना है? तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अब देखो डेल्टा एनजी कितना आ रहा है यहाँ पे, टू और इधर है वन प्लस टू, इधर है टू, कितना आ जाएगा? माइनस वन। यानी हम क्या बोल सकते हैं? केपी इज इक्वल टू केसी बाय आरटी, ये रिलेशन बराबर है। यस सर। गाइस समझ आया? यस सर। बीसीडी की करिए फटाफट से।
गाइस बी का क्या आंसर आया? केपी इक्वल्स टू केसी बाय आरटी स्क्वायर। ये टू और ये फोर, केपी इक्वल टू केसी बाय आरटी का स्क्वायर। परफेक्ट। थर्ड का केसी इनटू आरटी, केपी इक्वल टू केसी आरटी। नेक्स्ट ठीक है। और लास्ट का यस सर, मैच कर रहा है सबका? यस सर। मैं भी कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप करके देखिए जरा। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं ए एंड बी, दोनों में के वन और के टू है, रिलेशन फाइंड करना है हमको। पहले क्वेश्चन में के वन और के टू में रिलेशन, दूसरे क्वेश्चन में के वन और के टू में रिलेशन। स्टार्ट करिए।
सर ए पार्ट में सेकंड रिएक्शन में खाली NH3 आएगा ना? क्या चीज बेटा? ए पार्ट के सेकंड रिएक्शन में खाली NH3 आएगा। गाइस हुआ क्या सर? फर्स्ट में K1 इक्वल्स टू K2 स्क्वायर आ गया। K1 इक्वल टू K2 स्क्वायर। चलो कर देखता हूं मैं, आप आगे ट्राई करते रहिएगा। सेकेंड में भी सर वही आ रहा है। हाँ सर सेकेंड में भी वही आ रहा है K1 इक्वल टू K2 स्क्वायर। मैं करके देखूंगा बेटा, मुझे भी आंसर नहीं पता है। चलो फर्स्ट का सबका आंसर सेम आ रहा है क्या? K1 आ गया, K2 आएगा, N2 की पावर 1/2 H2 की पावर 3/3। स्क्वायर करके हमें डिवाइड करना होगा, इसे स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है। स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे तो बराबर है K1 = K2 स्क्वायर। ऐसा आया है ना? यस सर। ठीक है, दूसरे वाले में बराबर है, दूसरे वाले का भी यही आना। मैच कर रहा है क्या इस सबका? थर्ड वाला करिए। यस सर। गुड, थर्ड वाला करते हैं।
सी और डी करूं। गाइस सी हुआ क्या? सी का आंसर क्या आ रहा है? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। क्यों? सी तो सिंपल था। आपको ए टू डी बताना है तो आप पहले सबको कम में लिखना स्टार्ट करिए। ए वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाई ए। ए टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाय B. A3 is equal to हो जाएगा D by C. और आपको निकालना A to D है तो D by A हो जाएगा आपका A. अब इनका रिलेशन आपको चाहिए तो एक काम करिए, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में D आना चाहिए, डिनोमिनेटर में A आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में A आ रहा है तो D आ रहा है, रेस्ट कैंसिल होना चाहिए। तो काम करिए तीनों को मल्टीप्लाई करिए, K1 into K2 into K3। अब देखिए जरा क्या बचता है आपके पास, b by a into c by b into d by c। चेक करिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, d by a बचा और d by a किसके इक्विवेलेंट है? k के।
k1 into k2 into k3 is equal to k. अब सबकी वैल्यू पता है, 2 into 4 into 3 is equal to k, कर दीजिए 24 आ गया। समझा? गाइस क्लियर है? यस सर। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करिए, इसे कॉपी कर लीजिए। सर वो पिछले क्वेश्चन में k1 इक्वल टू k2 स्क्वायर कैसे आया वो नहीं। हेलो सर, हेलो सर, गाइस आया? हाँ, अरे ऐसे ही करिए ना आप, K1 K2 K3 के टर्म्स में लिखिए और इसको लिखिए K के टर्म्स में, जैसे यहां पर मैंने किया था, कैंसिल आउट क्या क्या होना उसके हिसाब से सेट करिए।
गाइस आया आंसर? भाई कोई स्कोप है कि मैं सॉल्व कर दूं? एक मिनट सर, यहाँ से देखें और के लिए हमारा क्या बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। एन ओ की पावर टू एच टू की पावर थ्री अपॉन एन एच थ्री की पावर टू और ओ टू की पावर फाइव बाई टू। अब आप चेक करिए, हमें ऊपर एन ओ चाहिए पावर टू में, हमारे पास अवेलेबल है। हमें एच टू ओ की पावर थ्री चाहिए, पर यहाँ पर एच टू ओ की पावर वन है। इसका मतलब पक्का जो के थ्री हमारा बना है उसका तो हमें क्यूब करना ही पड़ेगा। जब हम उसका क्यूब करके मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। अब आगे चेक करते हैं, हमें डिनोमिनेटर में अमोनिया चाहिए, हमारे पास न्यूमिनेटर में अमोनिया, यानी के वन हमारा नीचे आना चाहिए, के टू ऊपर आएगा, के वन हमारा नीचे आएगा, वाटर ऊपर है, के थ्री का क्यूब हो जाएगा, ये आएगा। गाइस तो समझा, क्यूब क्यों किया? क्यूब इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर देखिए ये फाइनल इक्वेशन में थ्री है कि नहीं है, तो हमको तो थ्री मैच कराना पड़ेगा। कैसे मैच कराएंगे? तो क्यूब कर दिया हमने, मैच हो जाएगा। फिर समझा कुछ? तो के टू बाय के वन इनटू के थ्री क्यूब कैसे आ रहा है सर? ओपन न्यूमरेटर में एनो चाहिए, इसका मतलब के टू ऊपर रहेगा क्योंकि के टू में एनओ ऊपर है। नीचे अमोनिया चाहिए, यहाँ पे अमोनिया ऊपर है, तो रिएक्शन को पलटोगे तभी तो आएगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो ये शॉर्टकट है, अदरवाइज आपको वन वन स्टेप्स लिखना पड़ेगा ऑन मल्टीप्लाइंग ऑन डिवाइडिंग, तो आपको पता चल जाएगा। इन शॉर्ट सब कुछ कैंसिल आउट होना चाहिए, के वन के टू के थ्री के टर्म्स में आना चाहिए। समझा कुछ? यस सर। मैं अभी आपको मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी शेयर करता हूँ, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ट्राई करिएगा आप। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं ड्यूरिंग लेक्चर ही डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चंस जो आपको अभी होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है? फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव ना सर? क्या जी? आपने फर्स्ट 20 सम्स बोले ना, तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव से होगा ना वो? हाँ जी फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव से ही। तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, मैं ड्यूरिंग लेक्चर ही डिस्कस करने वाला हूँ उसको, फिर आगे का चैप्टर कराऊंगा आपको, ठीक है? चलिए ओके, बाय बाय बाय।